Hey guys, welcome back to my channel and welcome to this video. आज की वीडियो में मैं आपके साथ रिवाज जुके के क्लींजिंग मिल का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ और साथ ही इसका डेमो भी करेंगे, उसके रिजल्ट्स देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो पहले मैं आपको प्रोडक्ट की डिटेल्स दे देती हूँ। ये रिवाज जुके का वाइटनिंग एक्सपर्ट क्लींजिंग मिल्क है और ये 3-in-1 है। इट्स अ मल्टी एक्शन मेकअप रिमूवर मिल्क, 3-in-1 क्लींस प्लस टोन्स प्लस मॉइस्चराइज फॉर ऑल स्किन टाइप्स, रिमूव वाटरप्रूफ मेकअप। तो ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, तो हम चेक कर लेते हैं जो ये प्रोडक्ट क्लेम कर रही है वो ठीक है या नहीं। बाकी पैकेजिंग जो है इसकी वो तो मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत लग्जरी सी प्रोडक्ट लगती है। और प्राइस की बात करें तो इसकी प्राइस 370 रुपीज़ है। तो चलिए इसको चेक करते हैं। इसका लिड आप देख सकते हैं, आप इसको इस तरह से खोलेंगे तो इसके अंदर भी एक ऐसे नोजल सा लगा हुआ है, उसको आप खोलेंगे प्रोडक्ट आप बाहर निकाल सकते हैं। तो पैकेजिंग इसकी ज़बरदस्त है। ये वाली कॉटन बॉल्स हैं, ये भी देख लीजिए, इनको मैं मेकअप रिमूव करने के लिए यूज़ करूँगी। ये सिंपली कॉटन, ये ब्रांड का नेम है। इसके अंदर 200 कॉटन बॉल्स हैं और प्राइस इसकी आई थिंक 280 रुपीज़ है। ये कुछ इस तरह से है, आप देख लीजिए, ये कॉटन बॉल्स बनी हुई हैं, इनको मैं यूज़ करूँगी। अच्छा मैं आपको बता दूँ, जो कॉटन होती है ना कुछ स्किन्स पे वो सूट नहीं करती, और स्पेशली टीनएजर्स के लिए ना कॉटन ज़्यादा अच्छी नहीं रहती। तो आप लोग जो है वो फेशियल स्पंज को यूज़ करें, उससे आप अपनी क्लींजिंग करें। मैंने प्रोडक्ट को ले लिया है, मैं इससे अब ये आई मेकअप जो है इसको रिमूव कर रही हूँ। मैं आपके सामने ही इसको डेमोंस्ट्रेशन कर रही हूँ, आपको खुद आइडिया हो जाएगा। प्रोडक्ट से जो है मैं फर्स्ट टाइम मेकअप रिमूव कर रही हूँ, मैंने पहले इससे जो है मेकअप एज मेकअप रिमूवर मैंने इसको फर्स्ट टाइम ही यूज़ किया है। मैंने वीडियो शूट की थी तो मैंने मेकअप किया हुआ था, मैंने कहा चलें इसी से मेकअप रिमूव कर लेती हूँ और साथ में आपके लिए इसका रिव्यू भी दे दूँगी, इसकी वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। तो आप देख लें, ये काफ़ी जेंटल प्रोडक्ट है, सो फार आई एम लविंग इट। इससे कोई आईज़ में इरिटेशन भी नहीं हुई, एज यू कैन सी मेकअप भी जेंटली रिमूव हो गया है, कोई ड्राइनेस भी नहीं हुई ज़्यादा। अब मैं अपने हैंड पे प्रोडक्ट को लेके फेस पे क्लींजिंग करूँगी। इस मौसम में मैं भी कॉटन को अपने फेस पे थोड़ा कम अप्लाई करती हूँ, तो इस वजह से मैं अपने हाथ से ही क्लींजिंग कर रही हूँ। और मैंने आपको भी दोनों तरीके बता दिए, आप हैंड से भी कर सकते हैं अपनी जो क्लींजिंग है, या कॉटन पैड या कॉटन बॉल से मैंने आपको दिखाया, आप उनको भी यूज़ करते हुए क्लींजिंग कर सकते हैं। इस तरह से आप सर्कुलर मोशन में मसाज करते जाएंगे स्किन पे, तो आपका मेकअप जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा और ईजी से निकल जाएगा। उसके बाद स्पंज या ये कॉटन पैड, इसकी हेल्प से आप उसको साफ़ कर लीजिए। अगर आपने मेकअप नहीं अप्लाई किया हुआ, आपको डीप क्लींजिंग करनी है, तो वो भी आप इसी तरीके से करेंगे। किसी कॉटन पैड पे कोई भी क्लींजिंग मिल्क, चाहे ये वाला लेना है या कोई भी क्लींजिंग मिल्क है, कॉटन पैड पे इस तरह से लेके आप अपने पूरे फेस पे उसको उससे उसकी क्लींजिंग करें, या फिर आप अपने हाथों की मदद से मसाज करते हुए आप पूरे फेस पे इसको प्रोडक्ट को अप्लाई करें और हल्का सा सर्कुलर मोशन में मसाज करें, और उसके बाद किसी स्पंज या फिर ऐसे कॉटन पैड से उसको रिमूव कर लीजिए। अभी मैं स्पेसिफिकली आपको इस प्रोडक्ट के बारे में बता रही हूँ, तो मैं आपको इसी का बताती हूँ कि बल्कि आपने खुद ही देख लिया है कि इसने किस तरह से वर्क किया है। एक साइड पे अभी मेरा मेकअप अप्लाई हुआ है, उसको मैं बाद में रिमूव कर लूँगी, मैं ज़रा आपको दिखाना चाह रही थी जल्दी में। तो वन साइड आप खुद ही देख लीजिए इसने किस तरह से वर्क किया है। मैंने कोई पानी से अपने फेस को वॉश नहीं किया, आप देख सकते हैं इसने मस्कारा भी अच्छे से जो है रिमूव कर दिया है, और सारी बेस लिपस्टिक भी अच्छे से रिमूव हो गई है, और स्किन पे कोई ड्राइनेस नहीं है। मेरी वैसे भी ड्राई स्किन है, तो मैं मेकअप रिमूवर्स की जगह पे क्लींजिंग मिल्क को प्रेफर करती हूँ, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मेरी तरफ से ये प्रोडक्ट हिट है, मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।